झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक ब्यूटी पार्लर के अंदर दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां दुल्हन शादी के लिए तैयार होने आई थी, शादी से चंद घंटे पहले उसके गांव का ही एक युवक आया और दुल्हन से साथ चलने को कहा। दुल्हन के इनकार करने पर युवक ने गोली मार दी। गांव के लोगों के मुताबिक युवक एक तरफा प्यार करता था। पार्लर में मौजूद महिलाओं को गोली मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गया। घायल दुल्हन को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान दुल्हन ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस मौके पर पहुंचे और टीमों का गठन कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सोनागिर इलाके में बरगाय गांव के रहने वाले राजकुमार अहिरवार की 20 वर्षीय बेटी काजल है, जिसके पड़ोसी दीपक अहिरवार से उसकी बातचीत होती थी। दीपक उसको पसंद करता था और शादी करना चाहता था, मगर काजल और उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। परिजनों ने काजल की शादी झांसी के चिरगांव के सिमथरी गांव में रहने वाले राज से तय कर दी। रविवार को दोनों की शादी झांसी के खोडन में स्थित निशा गार्डन में होनी थी। इसके लिए काजल अपने परिवार के साथ रविवार शाम को ही मैरिज हॉल में पहुंच गई थी, जहां दुल्हन को पार्लर के अंदर सिरफिरे आशिक ने घुसकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दीदी तैयार हो रही थी तो उसके बाद वो आया, वो बोलने लगा कि तुम मेरे साथ में चलो। दीदी ने मना कर दिया तो वो बोला, उसने डायरेक्ट कांच फोड़ के गोली दे दी। पहले बुक हुई थी, पीछे ही जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ पे चार लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप करने आए, तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया, ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुँह पर बांध के, वो कहता है यहाँ पर दुल्हन हो रही है, तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है, तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे, तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते, तो उसको बाहर निकाला। बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया, तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उसे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब वहीं खुशी का माहौल चंद मिनटों में गम में तब्दील हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। के काजल में गोली लग गई इसलिए जी जा रहे थे झांसी निशा लॉज 15 दिन पहले। झांसी जनपद में थाना सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक दतिया जनपद में सोनागिर एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक बरगाई गांव का रहने वाली एक लड़की है, यहाँ झांसी जनपद में आई हुई थी और उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिया गया। अभी हम लोग अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर ने बताया कि इनको गोली लगने से इनको मृत्यु हो चुकी है। जो जिसने गोली मारा है वो लड़का उस लड़की से परिचित है और वो भी दतिया जनपद में उस सोनागिर थाना क्षेत्र का वहीं गांव का रहने वाला है। और ये किस संबंध में ये गोली मारी गई क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन के विषय है, बट जो लड़का जो गोली मारा है उसको पकड़ने के लिए तत्काल अभी दो टीम हम लोग दतिया जनपद के लिए रवाना कर चुके हैं। मैं स्वयं दतिया SP से भी बात कर चुका हूँ और वहाँ का लोकल टीम हमको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ पर, और लोकल क्षेत्र में जहाँ जहाँ इन लोगों का जो जाने की संभावना है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।